हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन इते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सात तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है और इस चर्चा के अंतर्गत कल तक हम यहाँ जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे। बातें तो बहुत हो सकती है लेकिन फिर भी अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। टोडरमल जी का बार बार ये कहना था कि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, क्योंकि कहता भी है, शास्त्रानुसार बातें भी करता है, जनवाणी के अनुसार बोलता है ना, लेकिन अपने को आप रूप अनुभव नहीं करता। बात तो फीलिंग की है, बात कहने की नहीं है। कहने में तो कुछ भी कहता है, लोक व्यवहार में भी अनेक प्रकार की बातें करता है, लेकिन उन बातों से होता क्या है। हमने कहा साहब आपका ही घर समझना, तभी कहा है लेकिन इसका भाव भाषण नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही हमने कहा कि भाई मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और मैं तो शरीर से भिन्न हूँ। तो तू शरीर से भिन्न कह तो रहा है लेकिन क्या तू सच में अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करता है। देखो जब अपने आप को देह से भिन्न देखते हैं तो इतना बड़ा चमत्कार होता है, अंदर क्रांति, आंतरिक क्रांति की बात बतलाता हूँ। क्योंकि जितने कर्म के उदय आते हुए दिखाई देते हैं बाहरी, वे सारे कर्म के उदय जो कि अघातिया कर्म, विशेषकर नाम कर्म, शरीर संबंधी, गोत्र कर्म, उच्च नीच कुल, आयु कर्म, जीवन बने रहना, वेदनीय कर्म, संयोगों संबंधी, बोले इन कर्मों के उदय से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो भिन्न हूँ और कर्म का उदय ये इन सब पर आता है। भाई पाप कर्म के उदय ने मेरा क्या बिगाड़ा ये बताओ। पाप कर्म का उदय आया माने असाता वेदनी कर्म का उदय। वेदनी कर्म के दो भेद है ना, साता वेदनी और असाता वेदनी है। तो साता वेदनी कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, अनुकूल संयोग मिलते हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। अब हमने ये कहा कि अनुकूल संयोग मिले या प्रतिकूल संयोग मिले, वो तो काम तो संयोगों में हुआ ना, तेरे में क्या बढ़ गया या तेरे में क्या कमी हो गई। देखो जो बहुत दृढ़ होते हैं अंदर से, जिनकी विल पावर मजबूत होती है, जो बहुत हिम्मत जिनमें होती है, तो बाहर यदि संकटों का पहाड़ भी टूट पड़े तो भी वो सहज शांत दिखाई देते हैं। इसका मतलब बाहर हुआ है ना, कोई बात नहीं यार, विपत्तियां आ जाती है, परेशानियां हो जाती है, लेकिन उन परेशानियों से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ गया, मेरा क्या हो गया ये बताओ। ये क्यों होता है, ये कब होगा ऐसा, जब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं होगी। अपने आप को जीव समझे और अन्य पदार्थों को अजीव समझे। अभी जीव अजीव तत्व का सही स्वरूप नहीं समझने की वजह से हुआ क्या, जब हमने जीव अजीव तत्व का स्वरूप सही नहीं समझा तो अपने को पर में मिला दिया, पर को अपने में मिला दिया और दुखी हो रहा है, काम हो, तकलीफ हो रही है बाहर में और मान रहा है अपने में। माने ऐसा समझो, मैं कभी कभी इस संबंध में मुझे वो स्टोरी याद आती है शुभम चक्रवर्ती की, शायद आप में से बहुत लोगों ने कहानी सुनी होगी। शुभम नाम का एक चक्रवर्ती था। अपने यहाँ चक्रवर्ती कितने होते हैं, बारह। चक्रवर्तियों की संख्या 12 है, तीर्थंकरों की 24। तो जो 12 चक्रवर्ती होते हैं उनमें एक चक्रवर्ती हुए हैं शुभम। उन शुभम चक्रवर्ती के साथ कैसी परिस्थिति बनी,
भोजन में रसोइये ने जो लाकर के भोजन परोसा, रत्वानुयोग का कथानक है, बहुत विस्तार नहीं करूँगा। रसोइये ने जो लाकर के भोजन परोसा बहुत ज़्यादा गर्म था, और इतना गर्म था कि इनके जीभ जल गई, जो भी हुआ हो, तो इन्होंने थाली उठा करके फेंक दी रसोइये के ऊपर, खीर फेंक दी, बहुत गर्म थी, रसोइये पर फेंक दी और वो वहीं जल करके मर गया, वो मरी गया, इतनी इतनी ज़्यादा गर्म थी। माने चक्रवर्ती की तो सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है, पावर बहुत होती है, लेकिन तेजी से फेंक के वो मर गया। वो मर करके व्यंतर हो गया, देव बन गया, परिणाम बिगड़े, मर गया, देवगति में चला गया, व्यंतरवासी देव हो गया, इसकी तो काम खत्म हो गया। अब वो व्यंतर देव बनने के बाद उसे कुछ समय बाद में याद आया कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया था और मेरे साथ इस चक्रवर्ती ने क्या किया था, बदला लेने का भाव आया उसको मन में। तो जब उस रसोइये को, जो कि देवगति में चला गया था, उसे बदला लेने का भाव आया, तो उसने एक किसान का, एक ग्रामीण का वेश बनाया। नहीं नहीं सुनो तो सही मेरी बात, तो फिर क्या हुआ कि उसने ऐसा वेश बनाया और बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट, अपनी माया से, अपनी रिद्धियों से, अपनी शक्तियों से बहुत सुंदर स्वादिष्ट फल तैयार किए, और फलों की टोकरी लेकर शुभम चक्रवर्ती को भेंट करने के लिए गया। चक्रवर्ती को भेंट किया, अब वो तो मायामयी थे, वो तो रिद्धियों से, माया से, जादू से जो चीज़ बनेगी उनका स्वाद कैसा होगा, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, बाहर में जैसे सामान्य तो नहीं होगा, अद्भुत स्वाद। चक्रवर्ती को खिलाया कि साहब आप खाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे फल आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए होंगे। आश्चर्य हुआ उसका, इतना सुंदर ये कहाँ से लेकर के आए हो, वो जगह वहीं से रोजाना मंगाएंगे कि साहब ये तो आपकी सीमा में तो नहीं है, आपकी सीमा के बाहर है, आप छह खंड के राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, भरत क्षेत्र के अधिपति हैं, लेकिन भरत क्षेत्र की सीमा के बाहर लवण समुद्र को क्रॉस करके उधर कहीं दूर जा करके और वहाँ ये सब है। तो बोले हम अधिकार कर लेंगे उसके ऊपर। तो हाँ कि महाराज आप अकेले ही चल सकते हो, सब लोग नहीं चल सकते। अरे कोई बात नहीं, हम उसको अपने राज्य में मिला लेंगे, अपनी सीमा में मिला लेंगे, और ऐसे जो बाग बगीचे हैं, ऐसे जो हैं सारे फलों के खेत, वो सारे के सारे अपने अंदर हो जाएंगे, रोजाना ऐसे फलों को खाएंगे। चलो महाराज, बैठ गए जहाज में, बैठ गए और बैठ करके समुद्र में जाने लगे। जब समुद्र में जाने लगे तो बीच समुद्र में पहुंचकर इसने, व्यंतर ने अपना भयानक रूप बना लिया। एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों के बराबर बल होता है, एक व्यंतर का बल 10,000 चक्रवर्ती, और एक चक्रवर्ती का बल कितना होता है वो भी बहुत अद्भुत है, मैं भी उसकी चर्चा नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इतनी बात बतलाना चाह रहा हूँ। उसने भयानक रूप बना लिया, उपद्रव करने लगा इसके ऊपर और डरावना रूप बना लिया, ये घबरा गया शुभम चक्रवर्ती, घबरा कर णमोकार मंत्र बोलने लगा। णमोकार मंत्र बोल रहा था, सुरक्षित था, समझना, मैं इसलिए ये सारी बात कही है मैंने आपसे, ये सुरक्षित है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन आंखें खुली है और वो भयानक रूप दिख रहा है, तो घबराहट हो रही है मन में। ये मंत्र बोल रहा है, वो व्यंतर इस बात को समझ रहा है कि ये जो मंत्र बोल रहा है इससे मेरा कुछ असर नहीं चल रहा है, इस पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं दिखा तो रहा हूँ सब कुछ, लेकिन इसके ऊपर कुछ चल नहीं रही है मेरी, ये कुछ बोल रहा है और वो घबरा रहा है मन में। फिर घटना तो ऐसी घटी कि व्यंतर ने उससे कहा कि देख, मुझे पता है तू कोई मंत्र बोल रहा है, तू जो भी मंत्र बोल रहा है उस मंत्र को यदि तू पानी पर लिख करके यहाँ और पैर से मिटान देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और नहीं तो फिर तू देख ही रहा है क्या हाल हो रहा है, मरता क्या नहीं करता है? उसने णमोकार मंत्र लिखा पानी में और पैर से मिटाया और मरकर सातवें नरक में चला गया। मंत्र का अपमान किया ना णमोकार मंत्र का, वो तो मरकर के सातवें नरक में चले गया। ये तो कहानी है जो मैंने आपको णमोकार मंत्र के अपमान संबंधी सुनाई।
लेकिन मेरे को इस प्रसंग में एक आपको महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो संकट जो चल रहा था, जो वो कर रहा था उपद्रव उपसर्ग जो भी कर रहा था, वो सब इस शुभम चक्रवर्ती के ऊपर कुछ असर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। लेकिन ये तकलीफ किस बात की थी फिर उसको? फिर उसने नवोकार मंत्र क्यों लिखा और क्यों मिटाया? कि मान रहा था कि मेरे ऊपर ये हो रहा है, मन में घबराहट थी, बिगड़ कुछ नहीं रहा था, बिगड़ा कुछ नहीं था, तो फिर क्या हुआ कि माना था कि मेरा बिगड़ गया। ऐसे ही हम यहां कहना चाह रहे हैं भाई साहब, जब पाप कर्म का असाता का उदय आता है, तो उदय तो आता है शरीर पर, उदय तो आता है संयोगों पर, क्या उसमें अपना तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन मानता ऐसा है कि मेरा बिगड़ गया। क्या पॉइंट समझ में आया क्या? ये जो मान्यता है, ये मान्यता जब तक बनी रहेगी तब तक दुखी बना रहेगा, और ये मान्यता सुधर गई तो फिर कोई दुखी करने में समर्थ है, वह कर ले कुछ भी तू। मैं तो अपने तो मंत्र अपने साथ में है, पंच परमेश्वर अपने साथ में है, तेरे को जो करना हो कर ले। अब पाप कर्म का उदय होगा, कुछ होना होगा तो हो भी जाएगा, मेरी श्रद्धा है मंत्र, मैं तो नहीं कर रहा ऐसा। बोलो क्या होता? वो परेशान होकर के थकार करके नहीं चला जाता व्यक्ति? ऐसे ही यदि आप दृढ़ हैं, आप यदि मजबूत हैं, आप यदि जीव अजीव तत्व में भेद विज्ञान करके जीव को भिन्न और अजीव पुद्गलादिक को भिन्न समझते हैं, तो ये असाता कर्म का उदय आकर थोड़ी देर तो तांडव करता है और फिर क्या होता है? शांत होकर के चला जाता है। उदय कब तक रहेगा? पाप कर्म का उदय और पुण्य का उदय, इन दोनों की स्थिति ऐसी है कि ये परमानेंट नहीं रहते हैं। साता के बाद में असाता का उदय और असाता के बाद में साता का उदय, ये उदय बदलता रहता है। आज तक कभी किसी के कर्म का उदय एक सरीखा नहीं रहा। हमें कोई तो व्यक्ति ऐसा बतलाओ जिस व्यक्ति के जन्म से लेकर के मरण तक उसकी परिस्थितियां, उसके संयोग वियोग आदि सब एक जैसे रहे हों। ऐसा नहीं होता है, उतार चढ़ाव लाइफ में होते रहते हैं, इसी का नाम लाइफ है। परिस्थितियां बदलती रहती है भाई सबके साथ में, तो ये कितने इम्पोर्टेंट बात कही। हाँ मैं तो कभी जब अभी देखो आश्रव बंद तत्व संबंधी भूल की चर्चा करने का भाव है अपना, शायद आश्रव की चर्चा भी पूरी हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कहे हैं। पहले जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, पांच पॉइंट बतलाए थे, कुछ याद होने चाहिए आपको पांच में से, इतनी उम्मीद करता हूं। पहला पॉइंट, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस स्थावर आदि या गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को अथवा अजीव अजीव के पुद्गल आदि भेदों को जानता है, परंतु परंतु अध्यात्म शास्त्र में कहे गए भेद विज्ञान और वितराग दशा के कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता, ये इसकी भूल है, पहली भूल। दूसरी भूल क्या थी? यदि कदाचित प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो अपना अंश पर में न मिलाना और पर का अंश अपने में न मिलाना ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। दो पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान आत्माश्रित ज्ञानादि और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि में अपनत्व मानता है। तो एक ही है, मैं समझ रहा हूं और मैं समझा रहा हूं है ना, मैं उपवास कर रहा हूं, ये नहीं पहचानता कि दोनों अलग अलग काम है। तीन हो गए। फिर चौथा पॉइंट, शास्त्रानुसार आत्मा की चर्चा भी करता है परंतु परंतु अनुभव नहीं करता है? और आत्मा और शरीर आदि भिन्न भिन्न है, मैं भिन्न हूं और शरीर आदि भिन्न है ऐसा नहीं समझता, और ऐसे समझता है जैसे किसी और की बातें करता हूं।
आत्मा की चर्चा ऐसे करता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। चार, पांचवें पॉइंट में बहुत सुंदर बात कही थी, जीव और पुद्गल की सम्मिलित क्रियाएं समझता है। इसको द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कहा है गुणवत् सारादी में, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, मतलब ऐसे मिथ्या दृष्टि जिसमें काम एक है और उसके कर्ता दो हैं, ठीक है, या काम दो हैं अलग अलग और उनका कर्ता एक को मान रहा है, क्रियाएं दो हैं द्विक्रिया और मान रहा है एक की, ये द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। माने ऐसा नहीं समझता कि ये काम तो जीव का है इसमें पुद्गल निमित्त है, ये काम पुद्गल का है इसमें जीव निमित्त है, ऐसा नहीं समझता, दो कामों को भिन्न भिन्न नहीं पहचान पाता। उपवास, बोलो उपवास, अभी उपवास किसका काम है, क्या समझता है उपवास के बारे में, उपवास भोजन नहीं करने को समझता है, तो भोजन नहीं करने रूप जो अवस्था है वो तो शरीर की अवस्था है, और भोजन न करने का जो भाव है वो भाव जीव का है, भाव जीव का है और जो अवस्था बाहर में हो रही है वो शरीर की हो रही है, तो इन दोनों को भिन्न भिन्न जब तक नहीं पहचानेगा तब तक क्या करेगा कि वो बाहरी शरीर के भूखे रख करके अपने आप को महान समझेगा, जबकि हम कह रहे हैं शरीर को भूखा रखने से तेरी महानता नहीं है, शरीर भूखा रहने के साथ साथ तेरे परिणाम कैसे थे वो अपना काम था, अब अपने परिणामों की तो खबर नहीं है और शरीर को भूखा रखता है, शरीर को कष्ट देना चाहता है, शरीर को पीड़ा देना चाहता है, अरे नहीं, शरीर तेरा है कहां जिसको तू पीड़ा देने और सुखी करने की बात समझता है, शरीर को कष्ट कैसे दूं मैं, शरीर को पीड़ा कैसे दूं मैं, शरीर को, देखो क्या हो रहा है, अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को सुखी करने के नाम पर सुखी होना चाहते, क्या अच्छी तेल मालिश करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, वो कह रहे हैं शरीर सुखी हो तो मैं सुखी होऊंगा, सुबह से शाम तक उसी के अंदर शरीर को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना है निरंतर इसी में, क्या कर रहे हो आप, ये मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, घोर मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं, सारे जगत में जीव शरीर के अंदर लगे हुए हैं, शरीर को सुखी करने करके स्वयं सुखी हो जाना चाहते हैं, और इसमें करता क्या है, ऐसा करता हुआ जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का इससे तो मेरा नाता ही नहीं है, क्या ये काया तो अत्यंत अशुचि है तो फिर इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये तो सारे जगत में ऐसी दशा दिखती है। अब दूसरी तरफ धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं शरीर को कष्ट दे करके धर्म प्रकट कर लूंगा तो ऐसा भी नहीं, क्या, क्योंकि कष्ट का वेदन और सुख का वेदन, वेदन तो जीव करता है, वेदन शरीर नहीं करता, वेदन वेदन मतलब क्या है, अनुभव, अनुभव होना, ज्ञान होना, फीलिंग होना, ये पुद्गल का काम नहीं है, ये काम किसका है, जीव का। तो हम सोचे कि हमने शरीर को कष्ट दिया तो सच में शरीर को कष्ट नहीं दिया, कष्ट तो मैंने पाया, मैं इसको कैसे कष्ट दे सकता हूं, अच्छा इसको कष्ट दे करके बताओ, इसको कैसे कष्ट देंगे, जड़ को कष्ट कैसे होगा, मैंने हथौड़ा लेकर के टेबल को मारा तो टेबल को कितना कष्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, टेबल को कष्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेबल अचेतन है, इसका मतलब अचेतन को कष्ट नहीं होता। तो फिर मैं कह रहा हूं अब शरीर को भूखा रखा तो कष्ट कैसे हुआ, शरीर को, मेरे को, अब देखो शरीर के भूखे रहने पर यदि तुझे कष्ट हो रहा है, यदि तू कष्ट मान रहा है, तो इसका मतलब तुझे जीव अजीव तत्व का भिन्न भिन्न श्रद्धा नहीं है, इसलिए भूखे रहने पर कष्ट नहीं होना चाहिए, क्या, लेकिन वो जो तन के प्रति अपनापन है ना शरीर के प्रति, ये तकलीफ इस वजह से होती है। दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा, इसके सारी तकलीफ का जो कारण है, जितनी तकलीफें उत्पन्न होती, जीव जीव तत्व संबंधी भूल में लिखा उन्होंने, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, ये भूल है,
शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है, और ऐसा समझकर शरीर का नाश नहीं हो जाए, शरीर का वियोग नहीं हो जाए, यह देह छूट नहीं जाए, मैं मर नहीं जाऊं, ऐसा समझता है। हालत कैसी है इसकी? टोडरमल जी ने लिखा मोक्षमा प्रकाशक में, ऐसी बातें बनाता है पागलों जैसी बातें। ये सारी चर्चा हुई थी पागल की भांति। कभी कहता है शरीर मेरा है, कभी कहता है मैं ही शरीर हूं। इसको पता मैं हूं या मेरा है, कुछ ठिकाना नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसे पागलों जैसी बातें करता है। कभी कहता है स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, मेरे मतलब मैं नहीं हूं। और कभी कहता है डॉक्टर साहब इनको बचा लो नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, माने वो रहेंगे तो मैं रहूंगा। कभी कहता है शरीर तो छूट जाने वाला है, काम कुछ ऐसा करो कि नाम अमर हो जाए। क्या माने? अपन तो मर जाएंगे एक ना एक दिन। क्या क्या भैया? अपन तो मर जाएंगे एक ना एक दिन, तो अपने को मरना ही है, लेकिन नाम अमर रहे। तो देखो स्वयं को तो मरने वाला जो कि आत्मा है, जीव है, स्वयं को तो मरने वाला समझता है और नाम को अमर समझ रहा है, जबकि नाम में क्या दम है? क्या? अच्छा मेरे को बतला, इधर ये लिस्ट लगी है बहुत सारी। क्या इसमें लिखा है? एक श्री मन्ना लाल पाटनी। क्या? और ये बुधचंद जी है, उधर लिखा हुआ है भक्तावर जी कासलीवाल। बोलो कौन कौन जानता है इनको? इधर लिखा है डालू राम जी, और ये नंदलाल जी छावड़ा है, स्वरूप चंद जी बिराला। किसी को जानते हैं क्या आप लोग? जितने नाम मैंने बोले एक को भी नहीं जानते। बोलो अब ये नाम अमर हो गया सब। अब क्या नाम अमर हो गया? कौन जानता है किसका नाम छपा है? कौन कौन है इसमें? मतलब अखबार में नाम छपता है न्यूज़पेपर में तो खुद का नाम देख देख करके खुश होता रहता है, मेरा नाम छपा, मेरी फोटो छपी है। कौन जानता है तुझे? और किसको किसको देखने की फुर्सत है? कौन किसको देखे, कौन किसको जाने? आपको पता है चक्रवर्ती जैसे सम्राट, छह खंड की विभूति के स्वामी, कल मैंने थोड़ी बहुत चक्रवर्तियों की बात कही थी शायद आपसे, इतने बड़े सम्राट छह खंड को जीत लेने पर जब वृषभाचल पर्वत के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं, छह खंड को मैंने जीता है, इतना बड़ा सम्राट कौन हुआ होगा? 32,000 राजा मेरे अधीन है। जब वो अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं और शिला के ऊपर, तो 100 योजन हाइट वाली वो शिला, वो पूरी शिला चक्रवर्तियों के नामों से भरी हुई रहती है। उसे लगता है कि मेरे जैसा कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ होगा, और वहां जाकर के देखता है तो अरे मेरे से पहले इतने चक्रवर्ती हो गए हैं। ये अपने आप को ही समझ रहा है, ये राजा महाराजा हो जाए। बोलो कितने नहीं हुए इस धरती के ऊपर, कितने लोग नहीं आए आज तक, और आए और चले गए। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से है, जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। ये जगत के वैभव का हाल है भाई साहब, क्या इनमें कुछ दम नहीं है? नाम अमर रहेगा, नाम अमर रहेगा, अनगिनती लोग, अरे नाम अमरता की बात कर रहे हो? मैं कहूं कि साहब मैंने कितना काम किया यहाँ पे, कितने सालों से, क्या यहाँ आ रहा हूँ मैं 84 से बराबर आ रहा हूँ, क्या हर सन 90-92 के आसपास से क्लास लेना, पढ़ाना, प्रवचन करना शुरू किया यहाँ। अब आप सोचो कितना समय हो गया, 25 साल, और 84 से यहाँ आ रहा हूँ तो कितने साल हो गए? 33 साल हो गए आते हुए, कितना लंबा काल हो गया। अपने संतोष जी अंजलि जी साहब का 40 साल यहाँ प्रवचन किए उन्होंने, है ना, तो 5-7 साल में वो क्रॉस हो जाएगा। कितना बड़ा काम किया है कि सुन
तेरे से पहले इस मंदिर में पिछले 350 साल में न मालूम कितने लोग आए और प्रवचन कर करके चले गए, और कौन जानता है उनको है? तूने क्या कर लिया, क्या कर लेगा? ये नहीं नहीं साहब, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैंने ऐसा कर लिया। कौन जानता है कितने प्रधानमंत्रियों के नाम याद है आपको? हिंदुस्तान देश आजाद हुआ उसके बाद से बोलो कितनों के नाम याद है? इन इन बच्चों को फिर याद हो सकते हैं जिनको स्कूल में पढ़ाते हैं? कदाचित हो क्या? उसको भी नहीं है। मैंने आपको यदि नाम पूछे तो दो चार नाम तो आपके दिमाग से निकल ही जाएंगे कौन कौन। और प्रधानमंत्री की तो फिर चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति के नाम पूछो तो वर्तमान में अभी कौन राष्ट्रपति है यहाँ? आधे से ज्यादा लोगों को नाम नहीं पता होगा कौन है साहब, बताओ। नहीं पता ना, बोलो। तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का जो राजा है यहाँ का मालिक है, है? हाँ फर्स्ट पर्सन है इंडिया का, बोलो आप। मतलब नाम नहीं मालूम, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं क्या? ये तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ मैं। आप यदि बाहर निकल करके रिक्शे वालों से, फुटपाथ पर चाय वालों से, उन लोगों से पूछो तो उनको पता नहीं मालूम कौन है यार, कोई होगा कोई हमारा क्या लेना देना क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कितने लोग, अब ये नाम अमर हो गया, नाम अमर हो गया था, काय का नाम अमर हो गया क्या? गोल्ड जीत लिया था, ऐसा हो गया ओलंपिक के अंदर नाम, किसने कितनों ने आज तक जीत ली, कितनों का नाम तुम्हें पता है? सुनो सुनो सुनो, ये जो कहता है ना नाम अमर रहेगा, टोडरमल जी की लाइन बतला रहा हूँ आपको, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। सुनो, कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो सर्व क्षेत्र और सर्व काल को प्रभावित नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। मैं इन लोगों की क्या बात करूं जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, ये तो कुछ नहीं है, नाखून बराबर हैसियत नहीं है इनकी, तो नाखून के अंश मात्र नहीं है। चक्रवर्ती 12 चक्रवर्तियों में से कितने चक्रवर्तियों का नाम जानते हो? 2-4 चक्रवर्तियों का, 5-7 चक्रवर्तियों का, 12 में से, क्योंकि 3 तो नाम याद है, शांतिनाथ को दुर्गानाथ पांडे, एक भरत चक्रवर्ती का नाम पता है, एक मैंने अभी सुबह का सुनाई आपको कान में, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, सगर चक्रवर्ती है, पूरे नाम आप 12 नाम नहीं बोल सकते। चलो छोड़ो चक्रवर्ती, मैं कहता हूँ 24 तीर्थंकरों में से आज जैन समाज में कितने तीर्थंकरों के नाम सब कितने लोगों को याद है 24 में से? जैनियों में 5% को याद नहीं होंगे, सही है, सही कह रहे हो। मैंने 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर तो 3 लोग के नाथ है ना, वो तो हिंदुस्तान की बात नहीं है, वो तो आपके भारत क्षेत्र की बात नहीं है, वो तो 3 लोग के नाथ है ना तीर्थंकर, तो कितनों के नाम याद है बोलो। अच्छा उसमें भी एक गजब बात करूं मैं आपको, ये जो अभी दीपेश जी ने कही 5% लोगों को नाम याद होंगे, मानता हूं मैं 5% को नाम याद होंगे जैनियों में, इतना मान लो, वैसे 5% भी बहुत होता है। अब दूसरा वाक्य कहता हूं, भूतकाल 24 के नाम कितने लोगों को याद होंगे? 24 तीर्थंकर है ना भूतकाल में, 24 1% कहां लगता है? किन की बात कर रहा हूं मैं? तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की बात कर रहा हूं, इसी धरती पर इसी भारत क्षेत्र के तीर्थंकर, भूतकालीन तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, मतलब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का नाम भी अमर नहीं हो सकता। और ये महामूर्ख समझ रहा है कि संजीव गोदा का नाम अमर हो जाएगा। कहाँ हो गया है भैया, तेरे को पागल हो गया है, दिमाग तेरा स्थिर है या नहीं है, तो देख तो सही एक बार, कौन जीव है कौन अजीव है, मेरा क्या स्वरूप है, इस नाम में क्या रखा है? एक नाम के अनेक तीर्थंकर होते हैं, एक नाम के अनेक लोग होते हैं, अपने यहाँ सभा में एक नाम के कई व्यक्ति मिल सकते हैं, क्या है इतनी सी सभा में इतने से लोगों में एक नाम वाले 2 लोग हो सकते हैं, होते हैं। तो अब आप सोचो, जरा कल्पना करो, जयपुर में एक नाम के कितने होंगे? बोलो अजय गोधा नाम के 3 लोगों को जानता हूँ। अब आप कहोगे साहब सरनेम अलग अलग है, मनोज पापड़ीवाल आपका नाम है और मनोज जी पापड़ीवाल वो किशनपुर में है ना, आपके
अब बोलो, अब ये सर एक सरनेम वाले भी, अब नाम भी है और सरनेम भी है, अब वही नाम हो गया। और तो और वही नाम जो आपका हो और आपके पिताजी का नाम हो, सेम नाम मिल जाए क्या? आपका नाम और आपके हस्बैंड का नाम सेम हो, दोनों मिल जाए। बोलो, अपने यहाँ तीन विमला जी थे और तीनों के हस्बैंड का नाम राजकुमार जी था। एक एक विमला जी बैठे, आपके हस्बैंड का नाम राजकुमार जी था, एक विमला जी शाह, उनके हस्बैंड का नाम राजकुमार जी, और एक विमला जी अभी वहाँ महावीर नगर में शिफ्ट हो गए, उनके हस्बैंड का नाम राजकुमार जी। बोलो, और इनके मम्मी पापा का नाम भी विमला जी राजकुमार जी। ये चौथ चौथे नाम मिल गया। अब सोचो, अब क्या करें? मतलब अक्षर तो संख्या दी है, अक्षर तो सीमित है, शब्द तो सीमित है, इसलिए देखो जब तक वेद विज्ञान नहीं हो तब तक इस जीव को सुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। ये मरे जाता है नाम नाम के पीछे, मेरा नाम अमर हो गया, मेरा नाम अमर हो गया। और अखबार में कभी कदाचित अपने नाम फोटो छप जाए ना उनके, ऐसे कटिंग करके ऐसे ऐसे संभाल करके रखता है क्या? बोलो, चलो कोई बात नहीं। जी जीव अजीव तत्व संबंधी कौन देखता है? अच्छा, कितने लोगों के नाम रोजाना छपते हैं आपको, कितनों की महिमा आती है? रोजाना अखबारों से भरा ही रहता है ना, और इसको इस बात की खबर ही नहीं है कि एक दिन छपेगा और फोटो से छपेगा क्या? तीए की बैठक के लिए ये खबर ही नहीं। नहीं नहीं, मेरी फोटो छपनी चाहिए। अरे तो चिंता मत कर, छपेगी तेरे भी फोटो छपेगी एक दिन, बैठक में आएंगे लोग। फोटो छपाने के लिए मरता है, फोटो छपाने के लिए मरता है, मरे जा रहा है किसको? तो मरेगा तो तेरी फोटो छपेगी क्या? क्या बात करें अपन, ये अनादि काल से चली आ रही है भूल, और शास्त्र पढ़ करके भी संभलता नहीं है, ये बात कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे का मतलब कोई एमए पीएचडी हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे का मतलब शास्त्र पढ़ने वाले, पढ़े लिखे का खूब शास्त्र पढ़ते हैं, खूब अभ्यास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माने जब भी ऐसी बात आए कि फोटो खींच रही है तो अलर्ट हो जाता है एकदम। किसकी फोटो? जिसकी फोटो खींचती है वो मैं नहीं हूँ, और मेरी फोटो खींच नहीं सकती है। किसकी फोटो खिंचाने की बात कर रहा है? बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचाए, सुनो, और 15 साल बाद में उस फोटो को बारे में कहो कि ये सुंदर फोटो मेरी है, दूसरा का कहे तेरी हो सकती है कि तेरी नहीं है, शक्ल ही बदल जाती है। बोलो, अरे नहीं नहीं मेरी है, नहीं तेरी नहीं हो सकती, अब क्या करो? बोलो, जीते जी शक्ल बदल जाती है। बचपन की फोटोएं देखते हैं तो वो शक्ल और अभी की शक्ल में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। कौन सी शक्ल की बात कर रहे हो? कौन सी फोटो की बात कर रहे हो? मेरी फोटो खींचेगी, मेरी शक्ल, ये शरीर में अपनापन करके बैठा है। अब बड़े बड़े लोगों को अपनी फोटो और नाम के पीछे दौड़ते हुए देखोगे आप, ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ये मिथ्यात्व का लक्षण है, ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये संसार का लक्षण है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये वाक्य याद होगा अच्छे विद्वानों को, संयम सब लोगों को याद है ये वाक्य, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जैन समाज में थोड़ा बहुत भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति होगा तो ये सूत्र किसे याद नहीं होगा? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। अब मिथ्या दर्शन किसे कहें और सम्यक दर्शन किसे कहें? तो बोले शरीर और आत्मा को एक जानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, ये भी बोलता है, ये भी समझता है। शरीर आत्मा को एक मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। ध्यान है ना, मैं पिछली बात याद दिला रहा हूं आपको, आत्मा की तीन प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीन प्रकार की ना आत्मा के। तो शरीर और आत्मा को एक मानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि बोलता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। अब हमने कहा साहब आपकी फोटो छप रही है, नहीं नहीं ये वाली अच्छी फोटो नहीं है, ऐसी फोटो छपनी चाहिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो फोटो है ये आपकी है या आप अलग हो और शरीर अलग है? आपके पड़ोसी की है या आपके पड़ोसी की है?
आप यदि उसे अपनी फोटो समझ रहे हो, मिथ्यात्व का चिन्ह, बहिरात्मा का चिन्ह कह रहे हैं, मेरी मेरी कहाँ हिम्मत मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ, है ना। लेकिन जो शास्त्रों के वचन है ना, किसी भी अभ्यास करने वाले व्यक्ति, लेकिन ध्यान नहीं जाता, ये कह रहे हैं ना, शास्त्रानुसार पढ़ लेते हैं लेकिन अपने आप रूप अनुभव नहीं करता, फीलिंग में ये बात नहीं आती कि मैं जीव तत्व हूँ, ये चीज़ अनुभव का विषय नहीं बनती, ये महसूस नहीं कर पा रहा है कि मैं जीव तत्व हूँ, अपने आप को शरीर और पुद्गल आदि रूप में मानता है, देहादि रूप अनुभव करता है, कि कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो रही है इसकी खबर नहीं। अरे राम, मेरा नाम नीचे कैसे छाप दिया आपने, मेरा नाम तो ऊपर आना चाहिए। तो फिर नक्की करिए नाम तेरा है क्या, इन इनकी फोटो ऊपर दे दी, हमारी फोटो नीचे दे दी, इनका ऐसा कर दिया, उसका ऐसा कर दिया, कहाँ क्या कर रहा है, शादी कार्ड में बोलता है मेरा नाम नहीं दिया। हाँ, शादी के कार्ड में, अभी शादी के कार्डों की यदि अपन बात करें तो वो तो मिथ्या दृष्टियों की बात है, अज्ञानियों की बात है, है ना, है ना। समझदार लोगों की चर्चा चल रही है, पोस्टरों पर, बैनरों के ऊपर हैं, सब जगह पर अपनी फोटोएं, नाम सब लगे रहते हैं, छपे रहते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। हाँ, बहुत विवाद होते हैं, झगड़े विवाद कम थोड़ी ना होते हैं, कौन विवाद नहीं करे। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेवे कि मेरा स्वरूप इससे भिन्न है, देखो मुनिराजों की, उपसर्गों की जो चित्र लगे रहते हैं ना जिन मंदिरों के अंदर, जगह जगह शास्त्रों में प्रथमानुयोग भरा हुआ है, अपने चार अनुयोग वापस नाम है, तो बीच बीच में मेरी आदत इसलिए है क्योंकि वो आपको पिछली बातें वो कम से कम अनुयोगों के नाम याद रहे, कौन से बेटा, प्रथमानुयोग, चार अनुयोग, फिर चारों अनुयोगों के विषय याद रहे। प्रथमानुयोग में कथा, कहानियां, पुराण, सब प्रथमानुयोग। तो ये जितने चित्र दिख रहे हैं, मुनिराजों के उपसर्ग, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, महापुरुषों के जीवन चरित्र, कथाएं, सब क्या है, प्रथमानुयोग। अब भरे पड़े हैं ऐसे प्रथमानुयोग, मुनिराज बैठे हैं जंगल में, बैठे हुए हैं, शेर खा रहा है, कहीं गले में सर डाल दिया है, कहीं माथे पर चिंगड़ी जल रही है, कहीं गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए हैं, किसी के साथ क्या हो गया, किसी के साथ क्या हो गया, शालनी खा रही है, शेर में वो कितनी बातें मिलेगी आपको, अनगिनती बातें मिलेगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब ये सब ऐसे होते हुए भी ये भागते नहीं, छोड़ करके नहीं भागते, प्रतिकार नहीं करते। पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, वो उन्होंने सबक नहीं सिखाया, अतुल्य बल के धनी थे जन्म से, क्यों, वो इस बात को जानते हैं कि जिसके ऊपर उपसर्ग, यार वो मुस्कुरा रहे हैं अंदर में मुस्कुरा रहे हैं कि ये पागल को ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, मैं बिन अंदर में बैठा हूँ, इसे ऐसे लग रहा है कि मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है। अरे तू मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं कर रहा, तू मेरे ऊपर उपसर्ग कर नहीं सकता, ये उपसर्ग करने के परिणामों से असली उपसर्ग तो तेरे खुद के ऊपर हो रहा है। क्या, जो उपसर्ग करने का भाव किया ना तूने, तूने जो ये सोचा मैं इसको देख लूंगा, मैं इसको बिगाड़ लूंगा, मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये जो तेरे मन में जो भाव आ रहा है ना, सुन, दूसरे का तो बिगाड़ ही नहीं पाएगा, मेरा तो बिगाड़ ही नहीं पाएगा कुछ भी, लेकिन तूने जो ये खोटा भाव किया है, क्या उसमें तेरा खुद का बिगड़ गया, क्या कौन किसका बिगाड़े, क्या सबको अपने अपने कर्म के फल की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। अभी आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल में तो और गजब चमत्कारिक बात कहने वाले हैं। जो आश्रव तत्व संबंधी भूल, बंध तत्व संबंधी भूल, सातों तत्वों का स्वरूप समझ ले, सातों तत्व भिन्न भिन्न है, इनको समझ ले वे, ये भेद विज्ञान के लिए समर्पित है, सारे जनागम, सारे वितरागियों की वाणी, द्रव्यानुयोग पूरा का पूरा भेद विज्ञान के लिए समर्पित है, करणानुयोग में भी भेद विज्ञान की बात निकलेगी, चरणानुयोग से भी भेद विज्ञान की बात निकलेगी, लेकिन प्रयोजन को नहीं पहचानता। जो इन्होंने कही थी ना पहला पहला पॉइंट में, वापस देखो पहला पॉइंट, मैं तो बहुत सोच करके बैठा था कि आज आश्रव तत्व संबंधी भूल चलाएंगे, लेकिन मार्मिक बातें हैं इतनी, क्या करूँ, जीव अजीव तत्व की भूल ही निकल जाए तो फिर बाकी की जरूरत ही नहीं आएगी, सब काम हो जाए। ये क्या कह रहे हैं, देखो क्या कहा, भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता, ये प्रयोजन भूत चीज है, इसको नहीं पहचान रहा, शास्त्र की बात को तो पहचान लिया। सुनो, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मोटा मोटा, वनस्पति का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, पांच स्थावर है ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये पांच प्रकार के स्थावर जीव हैं। तो ये जानता है,
अभी हमने कहा कि ये वनस्पति खड़ी है, ये पेड़ है, यहाँ ये पौधे हैं, ये घास है, बोलो कौन से जीव है? तो आपने फटाफट कह दिया वनस्पति का एक जीव है, एक इंद्रिय जीव है, आपने बता दिया। अब हमारा ये कहना है राजेंद्र जी इसमें कि ये कथन शास्त्र के हैं और शास्त्रानुसार आपने पेड़ पौधों को उनको वनस्पति का एक जीव कह दिया, उनको जीव कह दिया, एक इंद्रिय जीव कह दिया, लेकिन प्रयोजन क्या था ये बताओ, ये कहने का उस प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। आपने पहचान लिया, आप पहचानते हो, आपको नॉलेज है, चींटी कितने इंद्रिय जीव है, बोले तीन इंद्रिय, बोले लट कितने इंद्रिय, बोले दो इंद्रिय, बोले मक्खी मच्छर कितने इंद्रिय, बोले चार इंद्रिय, आप सबको पहचानते हो, आपको बहुत नॉलेज है, ये चार इंद्रिय जीव है, ये पंच इंद्रिय जीव है, प्रयोजन क्या है? मैं बताता हूं आपको इनका प्रयोजन क्या था। जीव है ना, जीव जैसे हम जीव हैं, इस देह में मौजूद एक जीव है, ये कह रहे हैं ये जो वनस्पति है ना, इस वनस्पति में भी वैसा ही जीव है। क्या क्या क्यों क्यों कहा उसको कहकर के ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी फीलिंग में ये बात आनी चाहिए, जैसे सुख दुख का वेदन मेरे को होता है ना, वैसे सुख दुख का वेदन इसको होता है, ये पत्ती तोड़ने पर उसको वैसी तकलीफ होती है, जैसे जीव को फीलिंग हो रही है ना, ये फूल तोड़ने पर, क्या ये आलू में जो अनंत जीव है, तो जीव क्यों कहा आलू में अनंत जीव, क्या आपने कह दिया आलू में अनंत? अरे प्रयोजन ये है कि उन्हें जीव समझो और उनके साथ में वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार एक जीव के साथ में होना चाहिए, ये प्रयोजन है ना। आपके जानने का मतलब क्या निकला? हमने जान लिया साहब, हमने जान लिया, क्या जान लिया हमने, क्या जाना है, इसे जानना कहते हैं। मैं जानता हूँ ये चींटी जीव है, और फिर जान भी रहा है, और फिर वो उठा करके फेंक भी रहा है, तो फिर तू क्या जान रहा है, उसे जीव जान रहा है कि उसे मिट्टी जान रहा है? बोल तो रहा है कि मैं समझ रहा हूँ जीव है, बोल तो रहा है कि ये जीव है, और उसके साथ व्यवहार कैसा कर रहा है, जैसे कचरा उठा करके फेंकते हैं ना, ऐसे आपने कॉकरोच को उठा करके फेंक दिया, तो फिर आपने उसको जीव समझा कि आपने उसको कचरा समझा? बोलो, फेंकना पड़ेगा, देखो यहाँ बैठ के ऐसी बात क्या करें, और मेरे सामने कह रहे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। अंदर में आपके परिणाम कैसे हैं, वो परिणाम बदलने चाहिए, इसलिए कल ऐसा वाक्य पढ़ा था अपन ने, शास्त्रानुसार बातें बनाता है बस, इसमें सुख नहीं है, शास्त्रानुसार बातें बनाता है, ये भी जीव है शास्त्रानुसार बातें मनाता है, लेकिन जीव के साथ में जीवत्व पने का व्यवहार की, जीव है भैया, ये जो चींटी है ना, ये मेरे पिताजी थे पिछले जन्म में, ये जो चींटी है ना, ये मेरा बेटा था पिछले जन्म में, ये जो चींटी है ना, बोलो, ये भजन गाते हैं कई बार, जिनके थे हम पिता है, अब उन्हीं को पिता बनाना पड़ा, ऐसे ऐसे भजन है ना पूरा, बहुत बहुत सुंदर भजन है। तो आपको यदि ऐसा ऐसा अनुभव में आ जाए, ऐसा यदि आपको फील हो जाए, तो फिर आप असत व्यवहार नहीं कर सकते, आपका व्यवहार सुधर जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप अपने आप को एक बार जीव अनुभव करो, आत्मा अनुभव करो, ऐसी बातें करता है, आत्मा की चर्चा चलती है, किसी और की बात, पड़ोसी की बातें, आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है, क्या कह रहे हैं यहाँ, न इसको भक्ष अभक्ष का विचार है, न इसको खान पीन का विचार है, न इसको जीवों के प्रति करुणा का विचार है, शरीर और आत्मा ये यदि दोनों अलग अलग कह रहा है तू, तो मान क्यों नहीं रहा है? और जो मान लिया तो मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, यही तो भेद विज्ञान है और क्या है। और जिसके चित्त में भेद विज्ञान हो गया, भेद विज्ञान जिसके हृदय में जागृत हो गया एक बार, तो फिर केली करे शिव माही शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, वो मोक्ष मार्गी हो गए, वे अल्प काल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं। ये क्षण क्षण में भूल हो रही है, ये तन के प्रति, तन से तन्मयता, देह के प्रति नेह, क्या एक समय कमाए अनंत काल खाए, हाँ एक समय की चूक में अनंत काल गवाए वो, क्या एक समय कमाए, अंदाजा नहीं है, सच कह रहा हूं मैं अभी, यदि जीवन किसका भरोसा है, बताओ जीवन कितना लंबे समय तक रहेगा,
कोई नहीं है ना। तो अभी यदि ये शरीर के प्रति अपनेपन के साथ यदि मरण हुआ तो नया जन्म धारण होता है। नया जन्म क्यों मिलता है, कब तक जन्म मिलता रहेगा? जब तक शरीर के प्रति अपनापन रहता है तब तक नया शरीर मिलता रहेगा। वो पानी पानी करता हुआ मरा था ना वो सेठ, वो पानी में जाकर के जन्म ले लिया उसने। ये शरीर शरीर करता हुआ मरता है तो नया शरीर मिलता रहेगा। और फिर क्या होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता रहता है, वहां अनंत काल बीत जाएगा। ये महाभाग्य से जो मनुष्य जन्म जैन कुल जनवाणी सुनने का अवसर ये जो मिल गया है ये खोने लायक नहीं है। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, बोलने के लिए, गाने के लिए, झूमने के लिए, मजा आ गया, क्या भजन है। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, फिर क्या किया जिन धर्म पा करके, ये तो पिछला पुण्य का उदय था, पिछला कोई काम किया था जो आपको महापुण्य के उदय से मिल गया था, अब क्या किया। पाप कर्म करके मैंने जीवन गवा दिया है। महापुण्य उदय से मनुष्य जन्म मिला था लेकिन फिर क्या किया, पाप पाप करते हुए मैंने जीवन गवा दिया। लेकिन भाई नहीं, अब तक जो हुआ अब ऐसा काम नहीं होगा। ये 5 पॉइंट यहाँ जीव अजीव तत्व संबंधी कहे हैं, विचारणीय है, चिंतन करने योग्य है। मैं जानता हूँ इस बात को कि ये सुनने मात्र से एकदम बदलाव नहीं होता है, लेकिन बार बार जब अपनी मान्यता पर चोट पड़ती है तो बदलाव हुए बिना भी नहीं रहता है। ये चिंतन के विषय हैं, ये विचार के विषय हैं। हम अपने चिंतन को बदलते हुए अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। हाँ, कल अपना वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वहाँ।